For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys and welcome to Movies Adda. मैं हूं ज्योति नाहक. दोस्तों मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए कल के एपिसोड की टॉप 5 हाइलाइट्स. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कल के एपिसोड में इतना कुछ हुआ है कि आप डेफिनेटली सुनकर शॉक हो जाएंगे. तो लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमसे जुड़े रहिए और ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ है घर के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. नंबर 1, कल घर में विलन बनते हुए नजर आए. पूरा टाइम विलन रादर बनते हुए नजर आए. हमेशा ये जो टाइटल है ये श्रीसंत का होता है लेकिन इस बार रोहित ने इस टाइटल को बखूबी जस्टिफाई किया है. यस, वंस अ गद्दार ऑलवेज अ गद्दार. वंस अ गद्दार इज ऑलवेज अ गद्दार. यस, एक्चुअली घर में जो टास्क चल रहा था बीबी स्कूल बस, उसमें स्टार्टिंग में पूरा जो वुल्फ क्लब, टेक्निकली जो वुल्फ क्लब है ऑफकोर्स वो जो है वो पूरा वुल्फ क्लब जो है बाहर हो जाता है. लेकिन रोहित जो है वो घर के न्यू गेम चेंजर बन के नजर आते हैं बिकॉज उनकी लड़ाई सबसे पहले श्रीसंत से होती है जहां पर वो फेमस थप्पड़ का किस्सा है. जी हाँ, श्रीसंत जो है वो ऐसे फ्लिप करते हैं हाथ लेकिन वो मारते नहीं है. वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट. वो हाथ ऐसे मारने का अंदाज करता है लेकिन यार बंदा मारता नहीं है, वो डराने की कोशिश करता है. और फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद फिर चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं जब रोहित टास्क परफॉर्म करते करते फिर दीपिका के बारे में भी बहुत कुछ बोलने लग जाता है क्योंकि दीपिका का बैग होता है रोहित के हाथ में और दीपिका काफ़ी अपसेट हो जाती है. और फिर पहली बार दीपिका इस तरीके से टूटती हुई नजर आती है, इस तरीके से माइक वाइक सब वो उतार देती हैं. ऐसा रूप आपने दीपिका का डेफिनेटली नहीं देखा होगा लेकिन अब देखने को मिलेगा. और कहीं ना कहीं दीपिका बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है. उसके बाद रोहित की लड़ाई, पहले रोहित की लड़ाई श्रीसंत से होती है जहाँ वो थप्पड़ वाला किस्सा होता है, फिर रोहित की लड़ाई दीपिका से होती है जहाँ पर दीपिका जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाती है दीपिका उस पॉइंट ऑफ टाइम पर. उसके बाद रोहित की लड़ाई हो जाती है अपने ही टीम मेंबर यानी कि दीपक से. रोहित जो है वो गेम चेंज कर देते हैं, वो और सुरभि मिलकर दीपक को गेम से आउट करने की प्लानिंग करते हैं और इस चीज़ से दीपक इतने ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं कि आगे क्या क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी. थोड़ा सब्र आपको रखना पड़ेगा. लेकिन हाँ, रोहित और दीपक की लड़ाई हो जाती है. जो अब तक साथ में गेम खेल रहे थे अचानक से ये गेम इनका चेंज हो जाता है और रोहित दीपक को गेम से आउट कर देते हैं और फिर बहुत स्वैग से वहाँ पर कहते हैं 13th week में भी मैं तुम लोगों के लिए खेलूँ क्या. तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो स्टेटमेंट्स वो देते हैं तो एक हैप्पी क्लब, जो मिनी हैप्पी क्लब बना था यानी कि केवी का, सुरभि का, रोहित का और साथ ही साथ दीपक का, इन चारों का ग्रुप टूट जाता है. यस, लिटरली टूट जाता है क्योंकि रोहित और सुरभि मिलकर अलग से प्लानिंग कर रहे होते हैं तो इस तरह की तमाम चीज़ें होती है. तो बेसिकली रोहित ने कल बहुत लाइमलाइट बटोरी है. वेल डन, एनी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी एज दे से. नंबर 2, केवी की आपने अभी तक केवी की महानता देखी है, केवी का स्वीट जेस्चर देखा है, केवी का नागिन वाला रूप देखा है, सॉरी केवी का नाग वाला रूप देखा है, लेकिन केवी का ये अग्रेसिव, ओवर अग्रेसिव लुक अभी तक आपने नहीं देखा होगा. केवी, जैसे कि मैंने फिर बोला, केवी मुझे बहुत पसंद है लेकिन वो कहते ना कि गलत संगत में पड़ गया लड़का, बस वही दिक्कत है उसके साथ, वो गलत संगत में चल रहे हैं फिलहाल. तो केवी जो है रोमिल से फाइट करते हुए नजर आए और लिटरली मतलब लाइक मैन टू मैन फाइट ऐसे लग रहा था. पहली बार केवी को देख के ऐसा लगा कि वो अग्रेसिव हो रहे हैं और वो भी किसके साथ, रोमिल के साथ. सो वो थोड़ा सा वियर्ड था. एनीवेज तो केवी जो है रोमिल के साथ उनकी फाइट होती हुई नजर आई और बहुत ज़्यादा दोनों लड़ रहे थे. क्यों? क्योंकि रोमिल ने, जब केवी गेम से बाहर हो गए तो रोमिल केवी को चिढ़ा रहे थे, ओ पापा वाली बात नहीं चली, पापा वाला गेम फ्लॉप हो गया. तो इस तरीके से जो चीज़ें हो रही थी तो उस चीज़ पर केवी जो है वो थोड़ा सा उन्हें बुरा लगा ऑफकोर्स और वो लड़ पड़े रोमिल से. नंबर 3, घर में जिस तरीके से ये टास्क परफॉर्म किया गया, सब एक एक करके बाहर हो गए और जिस तरीके से मिनी हैप्पी क्लब जो फॉर्म हुआ था वो टूट गया और जो वुल्फ क्लब, सपोजिटली जो वुल्फ क्लब है, वो बैठ के हंस रहे थे, वो सब देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, शो का मजा ले रहे थे. ऐसे में टास्क जिस तरीके से भी खत्म हुआ, मस्त से वेल डन, टास्क बहुत अच्छा खेला गया और बहुत शातिर तरीके से सुरभि और रोहित जो है वो कैप्टनसी के दो दावेदार बनते हैं. जी हाँ, यानी सुरभि और रोहित ये दोनों ही लोग दावेदार बनकर नजर आते हैं और साथ ही साथ इनमें से जो कैप्टन बनेगा वो सीधा 14th week में यानी फिनाले वीक में एंट्री लेगा. यस, तो सुरभि और रोहित जो है ये कैप्टनसी के दावेदार बनते हैं और टास्क खत्म होता है फाइनली. नंबर 4, घर में रोने का सिलसिला चालू हुआ क्योंकि टास्क खत्म हो गया. टास्क में जिसको जिसको धोखा देना था, जिसको जिसकी साइड लेनी थी, ये सब चीजें हो गई. उसके बाद आता है धोखे खाने के बाद रोने की बारी. तो रोने का जब कार्यक्रम चालू होता है तो उस टाइम पर सबसे पहले सोमी और दीपक, ये दोनों ही काफी ज्यादा रोते हुए नजर आते हैं. सोमी, नाउ लिसन, सोमी इसलिए रो रही है क्योंकि दीपक ने उनको बैकस्टेप किया.
दीपक इसलिए रो रहे क्योंकि उन्होंने सोमी को बैकस्टेप किया। स्ट्रेंज नो, दीपक बैकस्टेप करने के बाद खुद भी बैकस्टेप हो गए, इसीलिए दीपक को भी ज्यादा बुरा लग रहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें बिना बताए सुरभि और रोहित ने गेम चेंज कर दिया और रोहित ने दीपक का बैग लेके फेंक दिया था। तो इस तरीके से जो है दीपक गेम से आउट हुए, जिसका वो फेलियर नहीं ले पा रहे थे। और कहीं ना कहीं यार ऑनेस्टली बताऊं, कल मुझे देख के ऐसा लगा कि दीपक सच में फेलियर एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। मतलब उनके साथ कुछ एक चीज गलत हो गई तो ही जस्ट लॉस्ट इट। ये मैं आपको फिफ्थ पॉइंट में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल ये बताती हूँ मैं कि सोमी और दीपक ये दोनों ही लोग रो रहे थे और सब उनको मनाने की कोशिश करते। बेसिकली रोमिल आते हैं, सोमी आती है दीपक को मनाने क्योंकि दीपक रो रहे हैं क्योंकि उन्हें बैकस्टेप किया गया और उन्होंने बैकस्टेप किया। सोमी इसलिए रो रही हैं क्योंकि रोमिल उनसे बदतमीजी से बात की, काफ़ी उनकी लड़ाइयाँ हुई आपस में टास्क के दौरान, और साथ ही साथ दीपक ने उन्हें बैकस्टेप किया। तो ये तीनों लोग आपस में जो है डिस्कशंस करते हैं और कहीं ना कहीं एक छोटा सा जो एक हैप्पी मोमेंट क्रिएट हो जाता है जहाँ पर दीपक अकेले भी बैठ कर रो रहे होते हैं, रोमिल उनके पास जाते हैं, सिर्फ रोमिल उनके पास आते हैं उन्हें समझाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि दीपक रोमिल की दोस्ती वापस हो जाएगी और ये दोनों फ्रेंड्स वापस से एक साथ वापस आ जाएंगे। काफी वापस वापस हो गया, वापस को हटाते हैं और बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ, नंबर 5। अब ये सबसे ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, मुझे देखने में भी बहुत अजीब लग रहा था। आई एम श्योर जिन जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें भी अजीब लगेगा और जिनको मैं बताने जा रही हूँ जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें भी अजीब लगेगा। जब टास्क खत्म हो जाता है, रात हो जाती है, सोमी दीपक केवी सब ने एक दूसरे को माफ कर दिया है एट द एंड कि ठीक है टास्क था, एनी विच वेज गेम था, लेकिन दीपक इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें भी बैकस्टेप किया गया है और उन्होंने बैकस्टेप किया है क्योंकि ये बात सामने आ गई है खुलकर, जिस अकॉर्डिंग उन्होंने प्लान किया था वो नहीं चला है। तो कहीं ना कहीं दीपक बौखलाते हुए नजर आए और अपना आपा खोते हुए नजर आए पहली बार दीपक, और वो बाथरूम के अंदर जाके अपने आप को मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, रोने की आवाज़ें आती है, फिर केवी दरवाज़ा तोड़कर उन्हें बाहर निकालते हैं। यस, और जब केवी और सोमी श्रीशांत दीपिका ये सब उन्हें बाहर निकाल कर लाते हैं, वो बेड पर बैठे हुए हैं उस टाइम पर, जो है पहली बार आपने बिग बॉस में ऐसा कुछ देखा होगा, दीपक लिटरली लाइक जोर से लैंप पर अपना हाथ मारते हैं और उनके हाथ पर लग जाती है, लाइक रियल जोर से हाथ को अपना मारते हैं और वो काफ़ी देखने में भी काफ़ी डरावना लगता है जिस तरीके से दीपक गुस्सा निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दीपक ऑनेस्टली अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखकर भी ऐसा लग रहा है कि यू नो आई शुड नॉट से दिस बट कर्मा डूड, ऑनेस्टली कर्मा, आप जिसके साथ जैसा करोगे आपको एट द एंड वापस वैसा ही मिलेगा। दो इट इज़ अ गेम शो, दो इट इज़ अ यू नो इट इज़ अबाउट टास्क परफॉर्मिंग गुड टास्क एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यार इंसानियत मैटर करती है। अगर आप अच्छे इंसान हो, अगर आप अच्छी तरीके से खेल रहे हो, तो आप भले ही रोओगे, आपको तकलीफ होगी, लेकिन आपके दिल में सुकून रहेगा कि यू नो मैं किसी हद तक गिर नहीं रहा हूँ या रही हूँ। तो मुझे लगता है वही चीज़ दीपक को अकेले में खाई जा रही है। हालांकि सोमी और केवी दोनों ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद दीपक का गिल्ट कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था और वो एपिसोड इसी नोट पर ख़त्म हुआ कि दीपक अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, दीपक अपना गुस्सा किस तरीके से निकालना है ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो गाइज आप मुझे बताओ यार, आप लोगों को क्या लग रहा है, मतलब मुझे देख के ऑनेस्टली यही लगा, आप लोगों को क्या लग रहा है कि दीपक ये स्ट्रैटेजी है इस तरीके से रो के, क्योंकि अब यू नो दीपक को अगर मैं टेक्निकली भी सोचूं तो दीपक शायद ये सोच रहे हैं कि क्योंकि अब उनका सब यू नो भांडा फूट चुका है कि उन्होंने क्या क्या किया, सोमी को बैकस्टेप किया, केवी को बैकस्टेप किया, तो अब शायद वो अपना पश्चाताप करने के लिए यू नो ये स्ट्रैटेजी बना के रो रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये स्ट्रैटेजी है तो ये इस तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती है ताकि सोमी और केवी दोनों की नज़रों में वो अच्छे बन जाएं, ऑडियंस की नज़रों में अच्छे बन जाएं, या फिर सच में दीपक फेलियर्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे कॉमेंट करके अपने आंसर्स बताओ, साथ ही साथ आपको बिग बॉस का एपिसोड कैसा लगा, एपिसोड अगर नहीं देखा है ये जो मैंने अभी एपिसोड का रिव्यू दिया है ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताओ यार। और साथ ही साथ दीपक की इस हरकत पर, दीपक के इस बर्ताव पर आपको क्या लगता है, स्ट्रैटेजी है या फिर नेचुरली इमोशनल ब्रेकडाउन है, बिकॉज 11 हफ्ते हो चुके हैं। तो बताओ आपको क्या लगता है, मैं वेट कर रही हूँ आपके कॉमेंट्स का और मैं सबके कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, सो प्लीज़ अपने ओपिनियंस दो, मोस्ट वेलकम, आप सबके ओपिनियंस को मैं वेलकम करूँगी। कहीं मुझसे अगर गलती होती है कुछ बताने में तो आप लोग मुझे सुधारिए, आप लोग बताइए कि क्या है जो भी प्रॉब्लम्स है, टॉक टू मी, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल मूवीज अड्डा। दिस इज ज्योति नाहक, यस दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।